फाइलिंग के बाद हमें बफिंग स्टार्ट करना है। बफिंग से हम क्लाइंट के नेल्स की डेड स्किन रिमूव करते हैं और क्लाइंट के नेल्स को अनइवन टेक्सचर होता है उसको इवन करते हैं। तो अभी हम बफिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सारे नेल्स की बफिंग करेंगे। बफिंग होने के बाद अभी हम सारे नेल्स को क्यूटिकल क्रीम अप्लाई करेंगे। ये क्यूटिकल क्रीम है जो मैंने 1/2 mm ली है, इतनी क्वांटिटी दोनों पैर के लिए काफी हो जाती है। इसको हम सारे नेल्स पे इस तरह से लगाएंगे। पर हल्का सा मसाज करेंगे। क्यूटिकल क्रीम लगाने से क्लाइंट के क्यूटिकल्स जो ड्राई स्किन होती है वो सॉफ्ट होने में हेल्प होता है। क्यूटिकल क्रीम लगाने के बाद आपको क्लाइंट के पैर को पानी में रखना है। मैम, क्या पानी का टेम्परेचर सही है? जी। क्यूटिकल क्रीम लगाने के बाद जब आप पानी में पैर रखने के लिए बोलते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट को पानी का टेम्परेचर पूछना बहुत ही जरूरी होता है। सो ये सारा प्रोसीजर जो हमने लेफ्ट पैर में किया है, सेम प्रोसीजर आपको राइट पैर में करना है और पानी में सोक करना है पैर को। अभी हम ये पैर पानी से बाहर निकालते हैं क्योंकि ये काफी टाइम तक सोक हो गया है जब तक हमने दूसरे पैर का प्रोसीजर कर लिया है। ये नाखूनों पे जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल है उसको हम वाइप करते हैं थोड़ा सा नैपकिन से। अब हम क्यूटिकल को पूछ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिटिल फिंगर से ही स्टार्ट करते हैं। ध्यान में रखिए, क्यूटिकल पूछ करते समय आपको क्लाइंट को पूछना है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, कहीं उनको हर्ट तो नहीं हो रहा है। मैम, आर यू कंफर्टेबल? यस। क्यूटिकल को पूछ करते समय ध्यान में रखना है कि आपको नेल पेट पे, पूरे नेल पेट पे क्यूटिकल को पूछ नहीं करना है। सो इसी तरह से आपको सारे नेल्स पे क्यूटिकल को पूछ करना है। क्यूटिकल को पुश करने के बाद हम यूज करेंगे क्यूटिकल कटर। इससे साइड के जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल होते हैं वो कट करने में हेल्प होता है। और इसी तरह से आपको सारे नेल्स के क्यूटिकल कट करने हैं। क्यूटिकल कट करने के बाद हमें क्यूटिकल ट्रिमर यूज करना है। क्यूटिकल ट्रिमर से आप सारे क्यूटिकल जो आपको दिखते हैं वो अच्छी तरह से ट्रिम कर सकते हो। मैम, आर यू कंफर्टेबल? यस। जैसे हमने इस तरह से यहाँ ये क्यूटिकल कट किया है, आपको सारे नेल्स के क्यूटिकल ट्रिम करने हैं। क्यूटिकल ट्रिम होने के बाद अब हम ऑरेंज वुड स्टिक लेंगे और ऑरेंज वुड स्टिक से हम नेल्स के नीचे जो गंदगी है उसको निकालने के लिए शुरू करेंगे। ऑरेंज वुड स्टिक में हम थोड़ा सा ऐसे कॉटन लेंगे पहले। अब डायरेक्टली ऑरेंज वुड स्टिक नहीं यूज कर सकते क्लाइंट की स्किन पे, नहीं तो क्लाइंट को हर्ट हो सकता है।
अभी ये कॉटन पे हम थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से नेल्स के नीचे जो डर्ट है वो निकालने में आसानी होगी। इसी तरह से आपको सारे नेल्स के डर्ट अच्छी तरह से निकालने हैं। आर यू कंफर्टेबल मैम? यस।